हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपका स्वागत है आपकी वर्कशीट के साथ। बच्चों, ये जो हमारा आज की वर्कशीट है, ये है वर्कशीट नंबर 7, जो है हमारी साइंस की, विज्ञान की। और हमारी कक्षा क्या है? हमारी कक्षा है 6। और बच्चों, जो हमारी डेट है आज की, वो क्या है? 16 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, हमारे जो है, अब हम वर्कशीट अपनी आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है भोजन के घटक, ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड चल रहा है। इससे पहले बच्चों, हम क्या है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने मिनरल्स, खनिज और विटामिन के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, उनकी महत्वता के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में पढ़ा था। आप इनको टाइम टू टाइम रिवाइज कर कीजिएगा। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से हो सकता है कि स्लिप हो जाए, ठीक है। तो इसको टाइम टू टाइम आप रिवाइज़ कीजिएगा। और आपसे मैं हर बार कहती हूँ, आप कोई भी किसी भी सेक्शन, किसी भी जो है, किसी भी चैप्टर, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप वर्कशीट कर रहे हैं, तो साथ में अपनी बुक को ज़रूर रखिएगा। और बुक को, जो आपकी वर्कशीट का टॉपिक जो आपके वर्कशीट में दिया गया है, उस टॉपिक को आपको बुक में से ज़रूर ज़रूर पढ़ना है। इससे आपकी जो मेहनत है और दुगनी हो जाएगी, आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी होगी। चलो अब हम अपना शुरू करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है रेशे और पानी। इसको हम रफेज बोलते हैं, इसको वाटर बोलते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? पोषक तत्वों के अलावा रेशे या फाइबर किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे हमें पोषक तत्व, तो हमने पढ़ा था कि हमें पोषक तत्व जरूर लेने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही किसी भी क्या है, आहार का, जो हमारी बैलेंस डाइट होती है, जिसे हम कहते हैं हमारा संतुलित आहार है ये हमारा, उसमें हमारा फाइबर, जिसे हम रेशे बोलते हैं, उसको भी हमें लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेशे का प्रमुख कार्य, जो प्रमुख मुख्य कार्य, मतलब रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। इसका क्या है, इसका काम जो होता है, ये वजन बढ़ाता है हमारे दैनिक आहार में। हम रेशे को पचा नहीं सकते, इसलिए यह मल में वजन बढ़ाता है। हम जो रफेज है, मतलब जो हमारा ये रेशा है, ठीक है ना, इसको हम पचा नहीं सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, हमारे मल को ना, जो हम फीसिस होता है हमारा, इसको ये क्या करता है, इसका वजन बढ़ा देता है, जो हम लैटिन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, इसका वजन बढ़ा देता है। यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। और ये क्या करता है, हमारे जो पाचन का सिस्टम है, वो ये हमारा बहुत अच्छा कर देता है। और इससे हमारी आंत्र जो होती है, हमारी इंटेस्टाइन भी अच्छी रहती है। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो हमारे, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, मतलब इनका सोर्स क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि स्रोत क्या है, हमारे फैट्स का स्रोत क्या है, हमारे प्रोटीन का स्रोत क्या है, ऐसे ही इनका स्रोत क्या है, पादप उत्पाद, मतलब पेड़ पौधे, ठीक है ना। और फल का सामान्य, और फल भी क्या है, इनके सामान्य स्रोत होते हैं, जैसे सेब, अंगूर, पपीता, इन सबसे भी हम जब खाएंगे तो हमें इनसे क्या मिलेगा, हमें रेशे मिलेंगे, हमें रफेजेस मिलेंगे। साबुत अन्न के दाने भी रेशे के सामान्य स्रोत हैं, जो हमारे साबुत दाने होते हैं, जैसे हमारे गेहूं हो गया, ठीक है ना, हमारा चना हो गया, मक्का हो गया, ये भी क्या है, बहुत अच्छे जो होते हैं स्रोत होते हैं, किसके, रेशे के, फाइबर के। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने रेशा पढ़ा। रेशा हमारे आहार में बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हमारे मल को क्या है, वजन देता है। और ये हमारे, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा पाचन सिस्टम है, उसको बहुत अच्छा रखता है। और ये हमें जो है पादप प्रोडक्ट, पादप उत्पादकों से मुख्य तौर से मिलता है, और हमें फल से भी मिलता है, और जो हमारे अनाज होते हैं, साबुत अनाज होते हैं, उनसे भी हमें क्या है, रेशे मिलता है। अब हम पढ़ेंगे पानी। पानी, जैसे कि आपको पता है, इसको अब बच्चे वाटर भी, वाटर जानते हैं अधिकतर। अब इसको हम पढ़ना है, क्या है, हम एक दिन भी पानी के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम बिना पानी के रह सकते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं या जब हम फास्ट रखते हैं, तो हमें जो है पानी की महत्वता, विशेषता, हमें उस टाइम पता लगती है, ठीक है ना। हमें हर दिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, और गर्म तथा शुष्क मौसम में और भी अधिक। हमें क्या है, हमेशा गर्मी हो या सर्दी, हमें 6 से 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए, और हम और ज़्यादा भी पी सकते हैं अगर गर्मी ज़्यादा हो या शुष्क मौसम हो। पानी की कुछ मात्रा फलों और सब्जियों से भी प्राप्त की जाती है। हमें जो फल, हम जो फल खाते हैं, तभी तो कहते हैं फल खाइए, सब्जियां खाइए, उनसे भी हमें क्या है, कुछ मात्रा जो है हमें पानी की मिल जाती है। अब क्या है, हमें पानी की आवश्यकता क्यों है, अब हमें पानी की आवश्यकता क्यों है, इसमें हम वो पढ़ेंगे, क्यों है,
सबसे पहले क्या है, ये अच्छा विलायक है और ये शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। ये अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक क्यों है, मतलब ये हर चीज़ को अपने में मिक्स कर लेता है। अच्छा विलायक है, सोलवेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पचा हुआ खाना है उसको ये हर जगह शरीर के हर हिस्से में पहुँचाता है। कौन? पानी। गुर्दे और आंत्र के समुच्चय कार्य के लिए भी पानी आवश्यक है। हमारा जो किडनी होता है और जो हमारा आंत्र होता है उसके लिए भी ये क्या है, बहुत अच्छा है हमारा पानी, इसलिए हमें पानी पीना चाहिए। यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। ये क्या करता है, जो हमारा हमारा जो गंदे पदार्थ होते हैं जैसे पसीना और हमारा मूत्र को भी निकालने में कौन ऐप करता है, हमारी पानी ऐप करता है। ठीक है, और हमारे क्या करता है, और ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है। क्या रखता है? ठंडा रखता है। तो हमारे चार पार्ट हैं ये हमारे पानी की जो है विशेषता को, आवश्यकता को बता रखा है कि हमें क्यों पीना चाहिए। सही है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अभ्यास की हम क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्या है, मक्खन में वसा होती है। जैसे मक्खन में वसा होती है, मक्खन खाने वाला मक्खन जो होता है उसमें वसा होती है, ऐसे ही फल में क्या होता है। हमने ऊपर पढ़ा कि फल में हमने यहाँ पढ़ा ना, फल एक सामान्य स्रोत है किसका, रेशे का। तो फलों में क्या होता है, रेशे। हम क्या लिख देंगे, रेशे। फल किसका अच्छा स्रोत है, रेशे का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं। क्या ये कथन सही है या गलत? ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि आहार में पादप, हमें अभी ऊपर पढ़ा है ना ये कि मुख्य रेशे रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना, रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, हमने यहाँ पढ़ा। आप यहाँ से अपने क्वेश्चन लिख लेना कि रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। ठीक है, हम रेशे को पचा नहीं सकते इसलिए यह मल में वजन बढ़ाता है। ये पाचन प्रक्रिया और तंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। हम यहाँ से इसको अपना क्वेश्चन को थर्ड को हम ये लिख लेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ से लिख लेंगे क्यों है जरूरी, अब मैंने आपको समझा भी दिया है। ऊर्जा नया देने पर भी पानी क्यों पीना चाहिए, हमारे को ये क्वेश्चन है कि ऊर्जा नहीं देता जब भी हमें पानी क्यों पीना चाहिए। हमने अभी जो है इसके फायदे पढ़े, पानी के क्या पढ़े कि यह अच्छा विलायक है, ये शरीर के सभी भागों तक पचे हुए खानों को पहुँचा देता। हम चौथा क्वेश्चन यहाँ से लिख लेंगे, हम गुर्दे और आंत के समुचित कार्य के लिए पानी आवश्यक है। तीसरा, यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है और यह हमारे शरीर को ठंडा लगता है। आप इसमें से चार के चार लिख सकते हैं या दो से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति, मतलब रिक्त स्थान भरने हैं। पहला क्या है, पानी एक अच्छा क्या हमने पढ़ा था, विलायक है। क्या पढ़ा था हमने, विलायक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पचे हुए खाने को हर जगह तक, हमारे शरीर के हर पार्ट तक, हर भाग तक पहुंचाता है। दूसरा क्या है, पानी हमारे शरीर को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, ठंडा। हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखता है, हमारा क्या आ जाएगा, ठंडा, ठंडा। नेक्स्ट क्या है, हमारे पानी हमारे शरीर में से गंदगी जैसे डैश और डैश को निकालता है। हमने क्या पढ़ा था, क्या निकालता है, पसीना। और देखो ये पढ़ा हमने, पसीने और मूत्र को हम क्या लिख देंगे, पसीना, पसीने, हम लिख देंगे पसीने और मूत्र, जिसे हम पेशाब कहते हैं। क्या निकालता है, ये पसीने और मूत्र को निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, साबुत अनाज डैश का स्रोत है, किसका स्रोत है, रेशे का, किसका स्रोत है, रेशे का। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है बच्चों, तो हमने ये अपना आज की वर्कशीट कर ली है। बच्चों हमें ये हमेशा याद रखना है, ये हमें ध्यान से देखना है इस चीज़ को, क्या कि COVID-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। बेटा मास्क हमेशा पहने, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे आप गली में दो कदम ही क्यों नहीं चल रहे हैं, सामने से कुछ आप कोई शॉप है उससे कुछ लेने जा रहे हैं, तो हमेशा मास्क पहन के जाइए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, या कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कुछ बुक लेने या कुछ करने, ठीक है ना, तो हमेशा मास्क का उपयोग कीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसे दो गज दूरी कहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रोज़ बोलते हैं कि दो गज दूरी का ध्यान रखें, तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको आपको हाथ भी, हमें क्या है, हाथ साबुन से और पानी से धोने हैं टाइम टू टाइम, और हमें सैनिटाइजर का भी यूज़ करना है। ठीक है ना बच्चों, तो ये बच्चों आपकी आज की वर्कशीट थी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा,
और बच्चे अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और बच्चे बहुत कम सब्सक्राइबर कर रहे हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और बच्चे लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें पता लगता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सही है, सही दिशा में जा रही है कि। तो आप प्लीज़, आपके लाइक का बहुत इंतज़ार रहता है, लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ जेन्युइन रहिए, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बच्चों अब मिलेंगे हम आगे की नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। चलो बच्चों बाय, हमेशा खुश रहिए।